तो सिंचन कैसी लगी वाइस टाउन सिटी? अरे वाह रोपिरो भैया, रोपिरो भैया, ये सिटी मुझे बहुत पसंद आई। अब तो मैं इधर ही रहूंगा। What's up guys? कैसे हो आप सभी लोग? I hope कि आप सभी लोग ठीक होंगे। वेलकम बैक टू द गेम प्ले वीडियो। और आज हम दोबारा से खेलने जा रहे हैं भाई रोप हीरो वाइस टाउन। तो गाइज जैसे कि आप सभी लोगों ने स्टार्टिंग में देखा होगा, गाइज आज वाइस टाउन में सिंचन आया है। हाँ गाइज वो भी टिप्सन बोस ने बुलाया है। तो गाइज फटाफट से मैं टिप्सन बोस के पास चलता हूँ और गाइज पता करते हैं टिप्सन बोस से आखिर सिंचन कहाँ पर रहता है और अपने वाइस टाउन में कैसे आएगा। तो गाइज आप लोग इस वीडियो एकदम लास्ट तक देखना और हाँ यार गाइज इस वीडियो को लाइक भी कर देना। चैनल पर न्यू हो तो गाइज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि आपको आगे भी ऐसी धमाकेदार वीडियो मिलती रहेगी। बात तो सही है। तो अभी गाइज जल्दी से ना फटाफट टिप्सन बोस के पास चलता हूँ क्योंकि गाइज पता नहीं वो टिप्सन कहाँ पर होगा। कॉल तो मुझे उस टिप्सन बोस ने इधर ही की थी लेकिन मुझे पता है वो जरूर अपने घर पर होगा। बट वेट यार कार आ रही है, क्यों ना मैं इस कार को ले लेता हूँ। ओ भाई लेकिन गाइस ये तो पता नहीं कल लू खाली की कार है, इस कार को मैं इधर ही छोड़ता हूँ। ओ भाई लेकिन ये तो कार से बाहर निकल गया। गाइस मैं फटाफट से इधर से निकलता हूँ वरना ये उठ के मुझे मारेगा और मेरे पीछे पड़ जाएगी पुलिस और मुझे सिंचन को। ओ भाई यार कहाँ ठुक गया मैं? गाइस ये तो मैं ठुके जा रहा हूँ। फटाफट से बाइक लेता हूँ और जल्दी से इधर से निकलता हूँ। भाई ये लो इसने मुझे ना गोली मारना स्टार्ट कर दिया। यार मैं इधर से निकल ही जाता हूँ और अभी सीधे इधर से टिप्सन बोस के पास चलता हूँ क्योंकि गाइस आज टिप्सन बोस ही बताएंगे आखिर सिंचन हमें कैसे मिल सकता है और सिंचन कहाँ पर रहता है, कौन सी सिटी में रहता है। तो गाइस जल्दी से मैं इधर से निकलता हूँ और यार टिप्सन बोस का घर भी फाइनली आ चुका है। और भाई टिप्सन बोस क्या हाल चाल है? ओ भाई चलो। ओहो भाई ओहो गाइज आप लोगों ने इस गरीब रोप हीरो को लाइक नहीं कर रहे गाइज, इसलिए रोप हीरो बार बार ठुक रहा है। तो लाइक करो। मैं तुम्हारे बाप का नौकर नहीं हूँ। हाँ तो भाई क्या हाल चाल है टिप्सन बोस? यार मैं तो आते आते इतना ठुक गया, मेरी सारी हड्डियां टूट गई। यार टिप्सन बोस जल्दी बता अब सिंचन कहाँ पर मिलेगा? रोपिरो के बच्चे जब तेरे पे बाइक चलानी नहीं आती तो क्या होगा? तो ऐसे ही ठुकेगा। देख रोपिरो रोपिरो मेरी बात ध्यान से सुन, आज मेरे पास सिंचन की कॉल आई थी। सिंचन बोल रहे थे आज वो वाइस टाउन में आएगा, तो जल्दी से रोपिरो सिंचन को लेकर आ। अरे टिप्सन बोस लेकिन सिंचन अपने वाइस टाउन में कैसे आएगा? उसको तो वाइस टाउन का रास्ता भी याद नहीं होगा। रोपिरो के बच्चे जब तो मुझे जो सिटी में भेज रहे हो रोपिरो, तो जल्दी से जा सिंचन तुझे लॉस सेंटर्स में मिलेगा और उसको लेकर वाइस टाउन में आ जा। सुन रोपिरो उसको सीधे लेकर वाइस टाउन में आना। और हाँ रोपिरो उसके पास एक छोटा सा कुत्ता भी है जिसका नाम चौप है और वो बहुत खतरनाक है। रोपिरो काट भी लेता है। फिर तो जल्दी से जा और सिंचन को लेकर वाइस टाउन में आ जा। अरे वाह 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 टिप्सन बोस अब देखना आज तो हम वाइस टाउन में सिंचन को लेकर आएंगे और देखना टिप्सन बोस सिंचन अपने वाइस टाउन में जरूर आएगा। रोपिरो भी तू जल्दी से जा। अरे हाँ टिप्सन बोस मैं यूं गया और यूं आया। तो गाइस अभी फटाफट से मैं अपनी अपाची बाइक उठाता हूँ और जल्दी से गाइस चलते हैं हम सिंचन की सिटी में यानी कि लॉस सैंटोस में। और गाइस फटाफट से मैं इधर से निकल जाता हूँ और देखते गाइस आज सिंचन हमारे साथ आएगा या नहीं। तो फटाफट से इधर से निकल ही जाता हूँ मैं। गाइस मिलिट्री बेस की तरफ को जाना होगा। हाँ गाइस क्योंकि उस सिटी का रास्ता इधर से ही है। ओ भाई बच गया मैं बाल बाल। यार ये तो कार वाला भी मुझे ठोक ही देता। गाइस अभी इधर से निकलता हूँ। यार अभी तो मुझे कोई नहीं ठोकेगा ना गाइस क्योंकि मैं काफी बार ठुक चुका हूँ और मैं भी ठुकना नहीं चाहता क्योंकि ठुक ठुक के मेरी सारी हड्डियाँ टूट चुकी है। और फाइनली गाइस ओ भाई गाइस मेरी बाइक काफी खतरनाक जंप मार रही है लेकिन जल्दी से अभी इधर। ओ भाई बच गया मैं। यार गाइस पता नहीं अभी मैं कब तक पहुंचूंगा उधर, पता नहीं कितनी ज्यादा दूर है लॉस सैंटोस फाइनली। लेकिन ओ भाई ये क्या हो रहा है यार? नहीं 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 ओ भाई अरे मुझे चक्कर आने लग गया। भाई गाइस ये लो मेरी बाइक तो पानी में गिर गई। यार अभी मैं कैसे जाऊंगा लॉस सैंटोस? गाइस फटाफट से इधर से बाहर निकलता हूँ और यार अभी तो मुझे पैदल ही जाना होगा क्योंकि गाइस इतनी ज्यादा दूर सिंचन है और मेरी बाइक जा चुकी है पानी में। यार लेकिन अभी इधर से निकलता हूँ मैं क्योंकि मुझे उधर जल्दी पहुंचना होगा ताकि गाइस मुझे वो सिंचन उधर ही मिल जाए। यार अभी इधर से निकल ही जाता हूँ मैं लेकिन ओहो भाई ये फाइट क्यों कर रहे यार? मतलब कि यार मिलिट्री वाले और कल्लू कालिया गाइस। लेकिन यार मैं इनके बीच में पंगा नहीं लेता गाइस, मैं इधर से निकलता हूँ यार क्योंकि मुझे लॉस सैंटोस पहुंचना है। और फाइनली गाइस अभी हम आ चुके हैं लॉस सैंटोस सिटी में जहाँ पर मुझे सिंचन मिलेगा। बट मुझे अभी तक यहाँ पर कोई नहीं दिखाई दिया। यार आखिर वो सिंचन कहाँ पर होगा? यार लेकिन यहाँ पर तो काफी मस्त कारें भी चल रही है और मैं यहाँ पर ये फ्री कार भी ले सकता हूँ। लेकिन यार गाइस जल्दी से कार लेता हूँ मैं और जल्दी से पहुंचता हूँ सिंचन के घर क्योंकि गाइस सिंचन का घर ना काफी दूर है इधर से। और यार लेकिन गाइस ये काफी खतरनाक सिटी है। और भाई देख रहे हो यार, मतलब कि एक मिनट यार मैं इस कार को ले सकता हूँ ना? चल भाई पहले फुर्सत में बाहर निकलो। भाई गाइस मैंने तो उसकी कार छीन ली और मुझे भी इधर से भागना होगा क्योंकि मुझे पता है इधर की पुलिस बहुत ज्यादा खतरनाक है और सिंचन का घर पता नहीं मुझे कहाँ पर मिलेगा। यार लेकिन मुझे इस कार से ना सिंचन का घर ढूंढना होगा। भाई वेट ओ
यार एक कबाड़ा कार भाई कहाँ पर फंस गई, एकदम फसलती कार है। इसको तो गाइज मैंने गलत ही लिया था यार, मैं भी सेंशन के घर ऐसे ही ढूंढना होगा मुझे यार, कहाँ पर मिलेगा भाई मुझे यार, कोई बता भी नहीं सकता इधर। गाइज वेट, इधर एक कार और गाड़ी काफ़ी खतरनाक, इसको भी मैं नहीं छोड़ूंगा, इस कार को भी लूँगा क्योंकि मुझे भी कार ही टेस्ट करनी है। और भाई लेकिन वो तो गई, इस कार को ले लेता हूँ, फटाफट से बाहर निकल, इसको भी इधर से फेंकता हूँ। भाई ये तो गाइज रोल मचा रही थी भाई, लेकिन फाइनली इस कार को भी हमने ले ही लिया। और गाइज अभी बस मुझे इस कार से सिंचेन का घर देखना है और सिंचेन से बात करनी है और सिंचेन को लेकर चलते हैं वाइस टाउन में। बट मुझे अभी तक सिंचेन का घर नहीं पता कहाँ पर है, लेकिन वेट यार इस कार से हम सिंचेन का घर भी देख लेंगे। बट ये तो कार बहुत ही ज्यादा आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है। ओ भाई लेकिन मुझे लग रहा है कार किसी को ना ठोक दे। गाइज इस कार से अगर मुझसे कोई गलती से भी ठुका तो इधर की पुलिस मुझे जेल में बंद कर देगी और पता नहीं कितनी सजा देंगी। लेकिन फाइनली अभी तो पता नहीं यार ये इतना बढ़कर किसका आया है, इधर मैं अपनी कार को रोकता हूँ। और यही घर मुझे सिंचेन का लग रहा है क्योंकि गाइज इतना बड़ा घर तो सिंचेन का हो सकता है, बस ये और किसी का घर ना हो। गाइज मैं अगर गलती से भी किसी और के घर में घुसा तो मेरी बहुत ज्यादा पिटाई होगी और पता नहीं ये घर किसका होगा। लेकिन ये बड़ी कार भाई तो सिंचेन की होगी, अभी मैं चलकर देखता हूँ नीचे आखिर ये घर किसका है। गाइज मुझे तो अभी इधर कोई नहीं दिखा और पता नहीं है इस घर में होगा कौन। वेट यार अभी देख लेते। ओ भाई इधर तो एक चौप है, यानी कि जो टिप्सन ने मुझे बताया था इधर कुत्ता भी है। अरे अरे मैं कुत्ता नहीं हूँ, मेरा नाम चौप है और मैं सिंचेन की रखवाली करता हूँ। अरे अरे सॉरी चौप, मैंने तुम्हें कुत्ता बोला, अभी जल्दी से बताओ सिंचेन कहाँ पर है। अरे तुम हो कौन और मैं तुम्हें सिंचेन का पता क्यों बताऊँ। अरे यार चौप मैं भी तुझे कैसे समझाऊँ। ओ शिट यार गाइज मैं इसको नहीं समझा सकता क्योंकि ये कुत्ता है और कुत्ता ही रहेगा। हाँ तो जाओ अपना आप देख लो, मैं भी नहीं बताऊंगा। तो चलो गाइज मैं अपना आप ही देख लूंगा और पता नहीं सिंचेन कहाँ पर होगा। गाइज मैंने तो पूरे घर में देख लिया लेकिन अभी पूरे घर में नहीं देखा। बट यार ये पता नहीं एकदम से अचानक से मौसम कैसे बिगड़ गया, ये सब क्या देखना पड़ रहा। और अभी तक सिंचेन भी मुझे नहीं दिखा, लेकिन वेट मुझे उधर तो कोई दिख रहा है, वो कौन आ रहा है भाई? मुझे तो लग रहा है सिंचेन ही है गाइज, देखते अभी कौन है सिंचेन। ओ भाई वाओ, अरे यार सिंचेन मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ ढूंढा, और वो पागल चोप तो बिल्कुल ही कुछ नहीं बोल रहा था। सिंचेन अब तो जल्दी से फटाफट मेरे साथ वाइस टाउन में चल क्योंकि टिप्सन बॉस ने मुझे इधर भेजा है तुम्हें लेने के लिए। अरे लेकिन रोपिडो भैया वो चोप पागल नहीं है, वो चोप तो बहुत अच्छा है, मुझसे भी अच्छा है, तो उसको भी लेकर चलो साथ में। ठीक है सिंचेन अभी देखता हूँ इसकी हरकतें अगर ठीक रहेगी तो हम इसको भी लेकर चलेंगे। तो अभी मैं फटाफट से चोप को भी देखता हूँ। और चोप एक मिनट, ओ भाई ये लो, पता नहीं कितना गंदा चौप है, इसने अपना खाना भी ऐसे रख रखा है अभी तक। ये मेरा खाना नहीं, ये तो बालिश का पानी है, इसको भी पीऊंगा। एक मिनट रुको तुम दोनों, अभी टिप्सन को कॉल करता हूँ यार, लेकिन टिप्सन की तो कॉल ही नहीं लग रही। गाइस मुझे लग रहा है नेटवर्क की प्रॉब्लम हो रही है मौसम खराब होने की वजह से। तो सिंचेन जल्दी से तुम मेरे साथ आओ, पीछे पीछे चौप को हम बाद में देखेंगे, फटाफट से हम वाइस टाउन में चलते हैं। आज तो मैं वाइस टाउन में जाऊंगा, जल्दी चलो लो पिलो भैया मुझे जल्दी से वाइस टाउन में लेके चलो, वहाँ पे मैं बहुत मजे कर लूंगा। जल्दी चलो जल्दी चलो। हाँ सिंचेन जल्दी से फटाफट दीवार कूद का जाओ, हम फटाफट जल्दी से पहुंच जाएंगे। अरे यार सिंचेन मुझे पता है तुम मजाक कर रहे हैं, जल्दी फटाफट आ जा। ओ भाई देखो कितनी जल्दी सिंचेन आ भी गया। तो अभी सिंचेन जल्दी से मेरे पीछे पीछे आ जाओ, बस अभी हम कुछ ही टाइम में अपने वाइस टाउन में पहुंच जाएंगे। आज तो वाइस टाउन में जा रहे हैं दोस्तों, वहाँ पर बहुत मजे करेंगे, आप लोग मेरे लिए एक लाइक करो। अरे सिंचेन तुम्हें लाइक की क्या जरूरत है, तुम्हें तो लोग पहले से बहुत पसंद करते हैं। तो सिंचेन अभी तुम फटाफट से अपने वाइस टाउन में चलो। तो हो गाइस फाइनली अभी हम अपने वाइस टाउन में आ चुके हैं। और सिंचेन अभी तुम्हें कैसे लग रहा है वाइस टाउन में? अरे रोपिलो भैया मुझे छुट्टी बहुत अच्छी लगी। अरे लेकिन रोपिलो भैया मुझे जॉब की बहुत याद आएगी, तुम अगली बाली जॉब को भी वाइस टाउन में लेकर आना, बहुत मजे करेंगे। अरे हाँ सिंचेन बिल्कुल फिक्र मत करो, हम जॉब को भी इधर लेकर आएंगे, लेकिन टिप्सन और मैं भी तुम्हारे साथ कल तुम्हारी सिटी में चलेंगे और वहाँ पर लॉस एंटोस में बहुत मजे करेंगे। फिर तो और मजा आएगा रोपिलो भैया, तुम दोनों हमारे साथ चलोगे तो चोप और टिप्सन और तुम हम साथ मिलके खेलेंगे। अरे वाह दोस्तों बहुत मजा आएगा। हाँ सिंचेन बहुत मजा आएगा, वैसे तो अभी बस मैं टिप्सन के पास चलता हूँ तुम्हें लेकर, और वहाँ पर ही देखते हैं आखिर हमें टिप्सन क्या मिशन देगा। और टिप्सन बॉस के थोड़े हम फाइनली आ चुके हैं। टिप्सन बॉस देखो सिंचेन मेरे साथ आ चुका है और ये सिंचेन तो बहुत ही मस्त है। अरे ये रोपिरो किस बच्चे को उठा कर ले आया वाइस टाउन में? मैं बच्चे नहीं हूँ, मेरी उम्र 5 साल है और मेरा नाम सिंचेन है। अरे हाँ सिंचेन अभी तुम्हें वाइस टाउन वाले कुछ नहीं कहेंगे,
और देखो टिप्सन बॉस, अभी सिंचेन हमारे साथ ही रहेगा। अली 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 लो भैया तुम क्या कर लिए हो? अली अली वाह वाह वाह, इधर तो में बहुत मजा आएगा। अरे टिप्सन बॉस, अरे वाह भाई वाह रोपिलो, ये सिंचेन तो बहुत तेज है, ये तो मुझसे भी तेज बन के दिखा रहा है। इसको पता नहीं मैं कितना खतरनाक हूं। रोपिलो इसको मेरे बारे में सारी बातें समझा देना। रोपिलो जैसे तू मेरी बात मानता है, सिंचेन को भी मेरी बात माननी होगी, ठीक है रोपिलो? अली हाँ टिप्सन भैया, टिप्सन भैया मैं तुम्हारी चाली बात मानूंगा। बच बच मैं थोड़ा चला लेती हूँ। तो गाइस बस यार आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय।